पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का एक बार फिर आगाज हो चुका है और कल मैच नंबर 15 इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया, जिसमें लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का हदफ दिया, जो कि कोई अच्छा टारगेट नहीं बल्कि एक फाइटिंग और रिस्पेक्टफुल टारगेट था जिसे आसानी से चेस किया जा सकता था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार बॉलिंग की वजह से ही ये टारगेट काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हो गया और मैच एंड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। और राशिद खान की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने शानदार बैटिंग की। राशिद खान ने ना सिर्फ शानदार बैटिंग की बल्कि अपनी बॉलिंग में भी शानदार बॉलिंग का जादू दिखाया। राशिद खान ने सिर्फ 9 रन दिए 4 ओवरों में और एक विकेट हासिल की और इसके साथ राशिद खान ने लाहौर कलंदर को एक हारा हुआ मैच भी कह सकते हैं, वो भी राशिद खान की वजह से जीते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 6 गेंदों पर 16 रन दरकार थे और आखिरी ओवर में 16 रन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन राशिद खान ने इब्तदाई 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही दरकार थे, जिसे राशिद खान ने आसानी से यह हदफ अबूर कर लिया। हुसैन तलत की आखिरी ओवर में राशिद खान ने खूब खातिरदार की।